Hello students, I am teacher to this question and let me explain this question to you now. The question says, what is the importance of pH in our daily life? तो इस question में हमें पूछा गया है कि जो pH होता है उसकी क्या importance है हमारे daily life में. अब देखिए pH जो होता है वो बहुत important है क्योंकि किसी भी चीज का pH हमें nature of substance के बारे में बताता है, right? अब जैसे for example आपको पता है कि जो pH है that plays an important role in our digestive system. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. कैसे? देखिए हमें पता है कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिसमें से एक गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पास पेप्सिन. वन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस पेप्सिन. अब पेप्सिन जो है इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ये किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन डाइजेशन में. अब पेप्सिन काम तभी कर पाता है जब एसिडिक मीडियम होता है, और उसके लिए स्टमक के अंदर मतलब गैस्ट्रिक जूस का ही वन ऑफ द कंपोनेंट क्या होता है? HCl, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज द डाइजेशन के अंदर. अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन भी अपना काम नहीं कर पाएगा. सिमिलरली जो एसिड्स है दैट कॉजेस टूथ डिके ऑल्सो, जो एसिड्स होते हैं वो टूथ डिके भी उन्हीं की वजह से होता है. जैसे आपको पता है कि जब आप कुछ बहुत ही मीठा खाते हो, हम बहुत ही शुगरी खाते हैं, तो क्या होता है उससे एक बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर ग्रो हो जाता है जो कि एसिड बनाता है. लिख लेते हैं कि बहुत ही शुगर खाने से बैक्टीरिया जो होता है, अगर आप मतलब खा रहे हो और जो अपना कुल्ला नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स रिंस नहीं कर रहे हो माउथ को, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक एसिड प्रोड्यूस करता है. ये एसिड क्या करता है? माउथ के पीएच को काफी लो कर देता है, राइट? और इतने लो, इतना लो कर देता है कि इट फॉल्स बिलो 5.5. इट फॉल्स बिलो 5.5, और इतने पीएच पे जो हमारा टूथ इनेमल है वो करोड होने लगता है. तभी हमारे टूथ में कैविटीज हो जाती है. जो लोग बहुत टॉफीज चॉकलेट्स खाते हैं, राइट, और रिंस नहीं करते हैं, तो उससे इस तरीके से टूथ इनेमल खराब होता है और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है. ऐसे ही हमने देखा कि कई एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्टिंग में भी एसिड होता है. एनिमल स्टिंग ऑल्सो पोजेस एसिड. फॉर एग्जाम्पल हनी बी, आपको पता है हनी बी की स्टिंग के अंदर भी एसिड होता है. तो अगर हनी बी काट जाती है तो बहुत ही आप कह सकते हो स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे, बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही इरिटेशन होती है. और इसको आप कैसे हटा सकते हो? जो हनी बी की स्टिंग के अंदर जैसे फॉर्मिक एसिड होता है, राइट, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. क्योंकि जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है वो क्या है? एक बेस है, वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है. ऐसे ही जो सॉइल है, सॉइल का पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सॉइल पीएच ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, राइट? क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन उसमें मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते, उनको भी एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है. तो इस तरीके से पीएच हमारी डेली रूटीन में हेल्पफुल रहता है. दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन. थैंक यू.